उपचुनाव के नामांकन का कल आखिरी दिन है। समाजवादी पार्टी ने बुधवार रात अपने पत्ते खोल दिए। अखिलेश यादव ने लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा और साफ कर दिया कि सभी 9 सीट पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी। रात 11:11 पर लिखे गए इस पोस्ट में अखिलेश कहते हैं, बात सीट की नहीं जीत की है। इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत के लिए एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। इंडिया गठबंधन इस उपचुनाव में जीत का एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। इसके आगे भी पोस्ट में काफी कुछ लिखा गया है। इंडिया गठबंधन के बीच में तालमेल हो गया है। सापा के सिंबल पर चुनाव लड़ा जाएगा। 9 प्रत्याशियों का चुनाव निशान साइकिल होगा। कल तक कांग्रेस 5 सीटों की डिमांड कर रही थी, जबकि समाजवादी पार्टी की तरफ से 2 सीट देने की बात सामने आई थी। अब जब कांग्रेस को अखिलेश ने खाली हाथ कर दिया तो बीजेपी को चुटकी लेने का मौका मिल गया। इंडी अलायंस के नेता भी ये मानते हैं कि राहुल गांधी मतलब झूठ की गारंटी, राहुल गांधी मतलब हार की गारंटी। सूत्रों के माने तो कल अखिलेश यादव ने कांग्रेस नेतृत्व से फोन पर बात की और तब जाकर रात को सभी सीटों पर लड़ने का ऐलान किया। आज सुबह अखिलेश ने राहुल गांधी के साथ वाली तस्वीर भी सोशल मीडिया पर साझा की। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.